दोस्तों, आज से हम अपना ये मैगजीन जो विजन की आती है सितंबर माह की, ये प्रारंभ करने वाले हैं। थोड़ा सा लेट हो चुका है इस मंथ का, लेकिन यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और पर शेड्यूल वाइज, जैसे कि हमें कहते हैं पॉलिटी, पॉलिटी के एक दो या तीन वीडियो में हो जाएंगे, ऐसे IR और क्या कहते हैं साइंस टेक, इस तरह के जो इसमें टॉपिक्स दिए हैं उसको हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमारा पॉलिटी सेक्शन है। पॉलिटी सेक्शन इम्पोर्टेंट होता है, जो राजव्यवस्था एवं शासन का होता है उसको देखेंगे। इसमें हम पहले वीडियो में जो देखेंगे वह रहेगा नारी शक्ति वंदना विधेयक, दूसरा रहेगा एक साथ चुनाव, तीसरा रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, चौथा रहेगा आपका व्यक्तित्व अधिकार, और पांचवा रहेगा आपका संसद का सचिवालय। ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं इसको हम अपने एक वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह के पॉलिटी के सब वीडियो बना बना के हम डालेंगे, जो कि आप सेकंड वीडियो में भी अगर हम देखना चाहेंगे तो हो जाएगा। संक्षिप्त सुर्खियों में जो रहेगा, पाकिस्तान में आए 108 प्रवासियों को गुजरात में नागरिकता प्रदान की गई। दूसरा देखेंगे सांसद विधायकों की अयोग्यता कारण देखेंगे। राज्यसभा और उपसभापति का पैनल देखेंगे। जेल सुधार देखेंगे। वर्ष 2014 से पहले के भ्रष्टाचार के मामले में दोषी लोक सेवकों गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलेगा, ये टॉपिक भी हम देखेंगे जो हमारा सेकंड वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आइए मास से प्रारंभ करते हैं। अपना पहला टॉपिक जो है आपका नारी शक्ति वंदना विधेयक। तो जो नारी शक्ति वंदना विधेयक अभी हाल ही में लाया गया, जो भारत के G20 के शिखर सम्मेलन के बाद लाया गया, उसके बारे में इसमें जो जानकारी दी गई, आइए उसमें के प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसमें से हम कुछ ऐसे टॉपिक्स या जो ऐसे इंपॉर्टेंट बात होगी उसको निकाल लेंगे। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो ये सभी पॉलिटी के जो एक एक वीडियो उसका एक संक्षिप्त वीडियो होगा, जो आपको एग्जाम टाइम में, PT के एग्जाम टाइम में आपको रिविजन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आइए पहला जो हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदना विधेयक। जो था यह विधेयक 106वां संविधान संशोधन था, और जो ये बिल जो विधेयक था वो आपका 128वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक था। यह विधेयक किन किन क्षेत्रों पर लागू होगा? तो यह विधेयक जो आपका लागू होगा वो होगा लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCT क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा को एक तिहाई सीटों पे आरक्षण प्रदान करेगा। किनको आरक्षण प्रदान करेगा? या महिलाओं को आरक्षण प्रदान करेगा। इस विधेयक में ध्यान रखने की बात है, जो कि आपको ऑप्शन में बना के दिया जाएगा, कि यह राज्यसभा या राज्य की विधान परिषद आदि के क्षेत्र में भी लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यह केवल जो आपका लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली का क्षेत्र है उसमें महिलाओं को एक तिहाई सीट, याद करने की बात है, एक तिहाई सीट आरक्षण प्रदान करेगा। और गौरतलब है कि संसद में इसे 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया। तो और इसमें जो साइड की बात देख लेते हैं, उस मतलब कि इस विधेयक से पहले के जो इम्पोर्टेंट ईयर रहे कि महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं वो देख लेते हैं। तो 1992 में जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो क्रमशः पंचायती और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करता है। दूसरा था आपका 1996 में लाया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षण करने हेतु तो 81वां संविधान संशोधन पेश किया गया था। ये ध्यान रखने बात है, 81वां संविधान संशोधन जो लाया गया था 1996 में लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह पास नहीं हो पाया। फिर आता है दौर 1998 का और 1999 का, इस वर्ष भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए थे। और आता है सन 2008, जबकि कांग्रेस की सरकार थी तब उस समय यह विधेयक लाया गया था, जो इस प्रकार था, जो इस प्रकार का अंतिम प्रयास 2008 में किया गया था। वर्ष 2008 में महिला संरक्षण के लिए एक विधेयक राज्यसभा में पेश कर उसे पारित किया गया, हालांकि बाद में यह विधेयक जो है लैप्स कर गया था। याद रखने की योग्य बात इसमें, ये राज्यसभा में पहले पेश किया गया था। ये वही वर्ष है जब G20 का शिखर सम्मेलन में लंदन या कहीं 2008 का शिखर सम्मेलन था, उसमें भी नारी सशक्तिकरण के प्रयास किए गए थे। तो उस समय भारत ने ये विधेयक लाने का प्रयास किया था, लेकिन जब अब की बार G20 का
भारत में ही कहते हैं आयोजन किया गया था, और G20 ऐसा 20 देशों का समूह है जो विश्व में आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, और विश्व की जीडीपी में इन 20 देशों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात होती है कि विश्व में महिलाओं का भी उतना ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए जितना कि पुरुषों का। तो 50% जो हमारी जनसंख्या मोटा मोटा मान लिया जाए, तो उनका जो राजनीतिक प्रभाव होगा विश्व में, उसको एकीकृत करने के लिए G20 में यह एक अहम मुद्दा उठाया गया था कि नारी सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाया जाए। उसके लिए वैसे 2008 में जो विधेयक लाया गया था कांग्रेस की सरकार में, वैसे ही इस साल हमारे भारत में भी यह विधेयक लाया गया है जो कि राजनीतिक सशक्तिकरण से प्रभावित था। तो आइए इस विधेयक के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं। इस विधेयक के तहत संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है। यह थोड़ी ध्यान रखने की बात है कि कौन कौन से संविधान संशोधन का कौन कौन से नए अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 239 ए, जो कि दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है। अब ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। संविधान में निम्नलिखित नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया है। क्या नए अनुच्छेद जो है वो जोड़े गए हैं, ये ध्यान है। अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया है, जो कि लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु संविधान में अनुच्छेद 330 ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों पर भी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी जो हमारा आर्टिकल 330 था, इसमें यह बोला गया था कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के लिए जो आरक्षित सीट थी, उसमें भी महिलाओं के लिए आपका 33% यानी कि 1/3 आरक्षण का लिए प्रावधान किया गया। दूसरा अनुच्छेद जो है, जो नया जोड़ा गया, वो 332 ए है। इसमें राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान हेतु 232 ए जोड़ा गया। और 232 अनुच्छेद क्या था, इसके तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु कुल सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रयास किया गया। कि जैसे ही आपका हमारा लोकसभा में 330 है, वैसे ही राज्यसभा के सॉरी वैसे ही राज्यों की विधानसभा के लिए 332 है। अब दोनों में एक एक अनुच्छेद जोड़ा गया जो कि 1-1 करके है। एक और है अनुच्छेद 334 ए, महिलाओं के लिए आरक्षण इस अधिनियम के लागू होने के बाद से पहली जनगणना आयोजित होगी, उसके आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगी। यानी कि जो अनुच्छेद 334 ए में ये बोला गया है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण के नियम ये लागू ये अधिनियम के लागू होंगे, वह जो यह संविधान संशोधन 128वां बिल पेश किया गया और 106वां संविधान संशोधन बना है, उसकी प्रथम जनगणना यानी कि अब से जो पहली जनगणना होगी और उस जनगणना के होने के बाद परिसीमन लागू होगा। अब परिसीमन किस आर्टिकल में है, परिसीमन जो हमारा आपका 82 जो वो है अनुच्छेद है, उसमें परिसीमन के बारे में बोला गया है। परिसीमन की प्रक्रिया होने के बाद यह लागू होगी। और इसके बारे में और कुछ खास, ये सूर्यास्त खंड यानी सनसेट क्लॉज है, मतलब कि एक समय के बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। ये जो आरक्षण महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में दिया गया है, और ये सूर्यास्त खंड कानून है जो एक समय के बाद बंद हो जाएगा। वह समय कितना है, यह आरक्षण लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक जारी रहेगा। लेकिन जिस वक्त से ये आरक्षण लागू होगा, अभी लागू नहीं हुआ, जब परिसीमन होने के बाद लागू होगा, उसके बाद 15 वर्ष तक के बाद यह खारिज हो जाएगा, उस 15 वर्ष के बाद इसको खत्म किया जाता है। लेकिन इसमें अपवाद भी है। अपवाद क्या है, संसद कानून बनाकर महिलाओं के लिए आरक्षण की अवधि आगे भी जारी कर सकती है। जैसे कि एससी एसटी के लिए भी जब संविधान बनाया गया था, उस वक्त भी बोला गया था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कि 15 वर्ष के लिए इस तरह का आरक्षण दिया जाएगा, जो कि 330 ए में था और 332 ए में था।
332 में था और 330 में था। इसी तरह से उस वक्त जो 15 वर्ष बोला गया था, तो यहाँ भी एक 15 वर्ष बोला गया है, एक मोटा मोटा ध्यान करने की बात है। और यह कोई राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय जैसा कानून की मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाएगा, इसको बढ़ाने के लिए संसद कानून बनाएगी। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा उसको अनुमोदित किया जाएगा, तब जाके यह कानून बनेगा कि उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। उसका दूसरा पॉइंट है महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का एक अवधि रोटेशन प्रत्येक आगामी परिसीमन के बाद होगा, यानी कि जो इनमें सीटें बढ़ेंगी किसी भी क्षेत्र में घटेंगी उसके लिए एक परिसीमन रोटेशन बनाएगा, परिसीमन आयोग जो रोटेशन बनाएगा उसके तौर पर सीटों का आवंटन होगा। इस अवधि के बंद मौजूदा विधानसभा और लोकसभा तक विघटन तक किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा, यानी कि जब तक ये मान लीजिए कभी भी परिसीमन होकर बन जाए, लेकिन जो मौजूदा विधानसभा और लोकसभा चल रही है इसमें किसी भी प्रतिनिधित्व को प्रभावित नहीं करेगा। ये जब प्रथम जनगणना हो जाए, इसके बाद की जनगणना होगी, परिसीमन होगा, तब उसके बाद यह लागू होगा। तो विधेयक में महिला आरक्षण की आवश्यकता क्यों है? ये जो टॉपिक आपका बनेगा ये कहीं ना कहीं आपका मेन से प्रेरित होगा, लेकिन फिर पेपर देखना पड़ेगा। विधायकों में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, विधानसभा में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है, लेकिन जब से आजादी के बाद से अब तक जो अभी संसद चल रही है उसमें सबसे संख्या 15% है, हालांकि यह अब तक की सबसे अधिक आंकड़े बताते हैं। राज्य विधानसभा में महिला विधेयक का औसत प्रतिनिधित्व केवल 8% है, राज्य विधानसभा में केवल 8% है। वहीं मिजोरम जैसे कुछ राज्यों में महिला विधायक नहीं है, मतलब कि मिजोरम की अगर राज्य विधानसभा देखे तो उसमें कोई एक भी महिला विधायक नहीं है। अंतर संसदीय संघ के अनुसार भारत में निम्न सदनी यानी कि लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कुछ पड़ोसी देश से भी कम है, यानी कि जो अंतर संसदीय संघ है उसके अनुसार देखा जाए तो लोकसभा में यानी कि भारत के निम्न सदन जो है उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व, जो हमारे भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, वह नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हमारे पड़ोसी देश जो है उनसे भी कम है। तो नीचे की लाइन देखते तो माना जाता है कि राजनीति में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत के खराब प्रदर्शन का एक मुख्य कारण है। मतलब कि जो आपने देखा होगा 2019 का जो प्रीलिम्स आया था उसमें, सॉरी, एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो वह विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है, शायद दूसरा तीसरा ऑप्शन था। उसमें भी बताया गया है कि भारत का इसमें जो जेंडर गैप हमारे भारत में किसी भी क्षेत्र में बढ़ रहा है उसका मेन कारण ये है कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण बहुत ही कम है। तो वहीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में देखा जाए जिसमें कुल 146 देश थे उसमें भारत का स्थान 127वां था। ये याद रखने वाली बात है कि 2023 में जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा निकाली जाती है उसमें कुल कितने देश थे, उसमें 146 देश थे। तो वहीं इसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, इसकी भारत की रैंकिंग 127वीं रैंकिंग थी। राजनीतिक दल की पुरुष सत्तावादी प्रकृति, इसमें बताया गया है कि जो पुरुषवादी सत्तात्मक प्रकृति के होते हैं उसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोका जाता है। वहीं जो पुरुष होते हैं वह धन बल और बाहुबल के माध्यम से ये जो सीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। महिलाओं से संबंधित समावेशी मुद्दे भी हैं, जैसे कि आप देखेंगे एसडीजी ग्लोबल जो है सतत विकास का तीसरा वाला जो देखेंगे जिसमें महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की गई, उसमें भी असमानता देखी गई है। स्थानीय स्तर पर आरक्षण के लाभ, आप वही जो 73वां 74वां संविधान संशोधन देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं को जब से ग्राम पंचायत और नगर निगम में हिस्सेदारी दी गई है तो उसके उपरांत वहां पास होने वाले महिलाओं सशक्तिकरण में बहुत ही अधिक इजाफा हुआ है। महिलाएं स्वयं से निकल कर समाज के बीच आ रही हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं, और यह अक्सर रिपोर्ट निकालती है ऑक्सफॉर्म इंडिया के द्वारा यह रिपोर्ट निकाली जाती है। ये बात ऑप्शन है। महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा मिलेगा, यानी महिलाओं
जननेतृत्व है उसको बढ़ावा मिलेगा। इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर की नीति निर्माण में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसमें कहने का मतलब यह है कि जब नीति निर्माण होगी, अगर उसमें 50% हमारे देश का ऐसा समूह होगा जिनके बारे में कम सोचा जाता है, महिलाएं हो गई, इनके बारे में कम सोचा जाता है, उनका भी अगर किसी भी नया विधेयक बन रहा है या कोई नया बिल पास हो रहा है, तो उसमें महिलाओं के में वो कितना प्रभावित करेगा, यह सब जानने के लिए महिलाओं का नेतृत्व होना, कोई भी बिल बनना या किसी प्रकार का होना, तो महिलाओं कितना प्रभावित करेगा यह देखने में इस विधेयक के माध्यम से यह हमें लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसमें कुछ चिंताएं भी हैं, इस विधेयक की कुछ चिंताएं भी प्रकट की गई, जैसे समता के खिलाफ। आपको ध्यान रखना, हो सकता है यूपीएससी ऐसा ऑप्शन बना दे कि यह जो विधेयक है कि यह समानता के खिलाफ ना होकर यह समता के खिलाफ है, समता के खिलाफ है, या तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो विधेयक है इसमें जो है समानता को, यानी कि किसी को स्पेशल हम रिजर्वेशन देकर उससे अन्य व्यक्तियों का जो अधिकार है उसको छीन कर लोगों के वंचित वर्गों, समाज के जो वंचित वर्ग उनको दे रहे हैं, तो यह समता का सिद्धांत होता है, ना कि समानता का सिद्धांत होता है। तो यह इसमें लिखा गया है, आरक्षण का विचार संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है, लेकिन समता के सिद्धांत के बराबर है। आर्टिकल 14 आपको याद करना चाहिए इसके लिए, समता और समानता के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सीटों का आरक्षण होने पर महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगी। अगर हम किसी को एक्स्ट्रा मतलब 100 सीटें हैं, 100 सीटें में से 33 सीटें ऐसे निकाल दें जिन जो सिर्फ आरक्षण के लिए हो, तो और उनके और किसी भी क्षेत्र में योग्यता को प्रथम रखा जाता है, लेकिन प्रति महिलाएं दबी हुई हैं, तो उनके लिए इस समता का सिद्धांत या जो भी निम्न वर्ग होता है SC ST या महिलाएं, उनके लिए समता का सिद्धांत जो है पालन किया जाता है। मतदाता के चयन करने के अधिकार पर प्रभाव, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में 100 सीटें हैं, 100 सीटें होने के बावजूद वहां 33 सीटों पर जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन वहां की जनता चाहती है कि हम ये जो हमारी महिला कैंडिडेट है या अच्छी ना होकर कोई अन्य व्यक्ति या अन्य समाज का अलग वर्ग जो है बहुत अच्छा कैंडिडेट है, उसको मतदान ना देने दे पाने का जो अधिकार है, वह मतदाता का जो अधिकार होगा, बेसिक जो उसका अधिकार होगा उसका हनन होगा। वहीं गैर सजाति समूह देखा जाए, महिला एक जाति समूह की तरह कोई सजाति समूह नहीं है, लेकिन जाति आधारित आरक्षण के समर्थन में जो तर्क दिए जाते हैं वे महिलाओं के लिए नहीं दिए जा सकते हैं। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण पर कम प्रभाव और राजनीति में असमानता आएगी, इसमें राज्यों में असमानता आएगी। वर्ष 2008 में महिला आरक्षण विधेयक में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान किया गया था। इसके विपरीत वर्तमान अधिनियम में कुल लोकसभा सीटों में 1/3 सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह अलग अलग राज्यों में लोकसभा की कम या ज्यादा सीटों के संदर्भ में लोकसभा और राज्य आधारित प्रतिनिधित्व में असमानता को बढ़ावा देगा। सीटों का रोटेशन में दिक्कत होगी। राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण आरक्षण प्रभावित होगा। राज्यसभा और विधानसभा में आरक्षण इससे जो है प्रभावित होगा, क्योंकि वहां ये आरक्षण नहीं दे पाएंगे राज्यसभा और विधानसभा में। हाँ, गीता मुखर्जी एक समिति आई थी जो 1996 में आई थी, उसको भी लिखते हैं। राज्यसभा और विधानसभा परिषद में महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी जो गीता मुखर्जी समिति है, उन्होंने 1996 में राज्यसभा और विधान परिषद में भी इसके लिए सिफारिश की थी, लेकिन जो अभी वर्तमान में विधेयक और पहले भी जो इसके लिए प्रयास किया गया था 1992, 96, 98 और 2008 में ना, उसमें भी केवल लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए बात की गई थी और दिल्ली क्षेत्र के लिए बात की गई थी, लेकिन राज्यसभा के लिए बात नहीं की गई थी। ये ध्यान रखने की बात है। इसमें आगे की राह क्या हो सकती है देख सकते हैं। समय पर क्रियान्वयन होना चाहिए, जो ये कानून बनाया गया है, जो इतनी बाद में पहली जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, उसके बाद मतलब फिर में आके 2029 के चुनाव के बाद ही कुछ ऐसा है, वर्तमान की जरूरतों को भविष्य पे टाल दिया गया है, जो कहीं ना कहीं से संभव नहीं दिख रहा है। इतना अगर हमें अधिकार मिले और उस अधिकार का उपयोग करने के लिए हमें हमें कई वर्ष लग जाए,
ऐसा अधिकार भी अपने आप में एक वांछनीय अधिकार नहीं होता है। क्षमता निर्माण, लेकिन इस विधेयक से एक फायदा यह भी होगा कि वर्ष जब भी कभी भविष्य में परिसीमन होने के बाद जब महिलाओं को आरक्षण देकर जब महिलाएं हमारे संसद में या राज्य विधानसभा में पहुंचेंगी, उससे जो उनकी वर्क एफिशिएंसी है, जो वर्क एफिशिएंसी है संसद या फिर या तो राज्य विधानसभा की, वो बढ़ जाएगी। तो यही है वो क्षमता निर्माण की बात। इस प्रकार से हमारा पहला जो चैप्टर, पहला जो इसमें लेशन था कि नारी शक्ति वंदना विधेयक, इसको देख लिया। इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है यह 106वां संविधान संशोधन है और यह 128वां बिल लाया गया था ये है। इसमें आपको याद रखना है 239 AA जो कि दिल्ली के लिए है, जो संशोधन किया गया था, और नया संविधान जोड़ा गया है 330 A जो लोकसभा के लिए है, और 332 जो राज्य विधानसभा के लिए, और 334 जो है पहली जनगणना के लिए, जो आपको परिसीमन के लिए आपको बताया गया था। ये बस इम्पोर्टेंट देखने वाली बात है। और इसमें से एक ये ध्यान रखना है आपको, ये गीता मुखर्जी समिति जो आई थी किस लिए आई थी, ये बार ये राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश की थी। ये तो तीन चार ध्यान करने वाली बात है। बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पॉलिटी का, जिसमें सिर्फ मेन मेन बात रहेंगी, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, एक साथ एक चुनाव, इसमें बताया गया, इसको देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, ये ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में बनी है, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। ये लिखा गया इसमें 8। अक्सर आप देखे होंगे कभी भी सम संख्या में कोई भी कहते हैं समिति नहीं बनाई जाती है, क्योंकि वोटिंग करते वक्त, क्योंकि हम लोग बहुमत को आधार बनाते हैं, जैसे 8 रहेगा, 8 सदस्य रहेंगे तो 4 उधर होगा, 4 इस पाले में होगा, तो जिसको से दिक्कत होगी, तो हमेशा जो है विषम संख्याओं का चयन किया जाता है। लेकिन यह समिति ऐसी बनी थी जिसमें 8 लोग थे, ये ध्यान रखने लगेगा कि 8 संख्या है, 8 सदस्यीय संख्याओं की समिति है। यह समिति एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं की जांच करेगी और उनकी सिफारिश भी करेगी। आइए देख लेते हैं भारत में एक साथ चुनाव का इतिहास क्या रहा है। उस पर इतिहास जान लेते हैं क्या रहा है। इतिहास का कुछ विधानसभाओं का समय से पहले विघटन हो गया। भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। सर्वप्रथम हम देखेंगे 1992 सॉरी 1952 से 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा में आम चुनाव एक साथ करवाए गए थे, एक साथ करवाए गए थे। 1968 और 1967 का समय आया जब आप देखेंगे कुछ विधानसभाओं का समय से पहले विघटन हो गया। फिर वही दौर आता है 1970 का, इसमें लोकसभा के समय से पहले भंग हो गया। 1971 में नए सिरे से चुनाव हुआ, जबकि उस समय लोकसभा भंग हो गई थी 1970 में, और 71 में फिर चुनाव हुए जिससे डिसबैलेंस आया। और उसके बाद आता है 1983 का समय जब भारत के निर्वाचन आयोग ने इस तरह की सिफारिश की थी एक साथ चुनाव कराया जाए। तो आइए एक साथ चुनाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या इसमें मतलब कि इसका क्या मोटिव है या क्या इसकी रूपरेखा है, ये देख लेते हैं। भारत में इसका आशय लोकसभा, राज्य विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को एक साथ संपन्न कराए जाने से है। ऐसा होने पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान कर सकेंगे। एक साथ चुनाव का आशय यह नहीं है कि संपूर्ण देश में इन सभी चुनाव के लिए एक ही दिन मतदान होगा, मतलब इसका आशय यह नहीं कि एक ही समय एक ही दिन सब हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नगर पालिका, पंचायत सबका चुनाव एक ही दिन, ऐसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, इसे मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है, बशर्ते किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करें। एक साथ चुनाव कराने के पीछे तर्क क्या है, मतलब क्यों कहा जाता है कि एक साथ सभी चुनाव करा लेने चाहिए। तो इसमें ये होता है खास बात, इसमें बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करने से शासन व्यवस्था का प्रभाव होता है, मतलब कि जो आचार संहिता होता है उसके उल्लंघन करने में चुनाव आयोग और अन्य जो मतलब कि पुलिस होती है, व्यवस्था होती है, शासन होता है, लॉ और शासन को मेंटेन करने में दिक्कत होती है।
जो कि अगर एक साथ हो जाएगा चुनाव तो वो बार बार नहीं लगेगा। चुनाव के आयोजन में भारी खर्च। जब हमारे देश में कोई भी चुनाव होता है तो उसमें भारी खर्च होता है, निर्वाचन आयोग का बहुत ज्यादा पैसा उसमें और समय जाता है। तो उसके अगर वो अगर सारे चुनाव एक साथ हो जाएंगे तो इस तरह के जो भारी खर्च होंगे उसको कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सीएमएस डेटा के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय निर्वाचन आयोग ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए का औपचारिक व्यय किया था। अगर यही सब चुनाव एक साथ हो जाएंगे, एक ही बूथ मतलब वही राज्यसभा वही विधानसभा सभी चुनाव के लिए एक बूथ बनाना पड़ेगा, तो एक समय में सब कुछ एक साथ व्यवस्थित हो जाएगा, तो इससे ये फायदा होगा जो भारी खर्च होता है वो कम। सुरक्षा कर्मी की लंबी अवधि तक चुनाव ड्यूटी में तैनाती। जब भी कहीं पर चुनाव होता है तो किसी प्रकार के चुनाव में गड़बड़ी ना हो, हाँ, और हिंसा ना हो, इन सभी कार्यों या कोई अवैध वोट ना कहीं पड़ जाए, तो इसके लिए सुरक्षा कर्मियों का रखा जाता है। अगर कहते हैं ये चुनाव लंबा चलता है तो उनको ही प्रभावित करता है। अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो एक ही बार में जो सुरक्षा कर्मचारी होंगे उनकी लंबी अवधि तक चुनाव ड्यूटी में तैनात नहीं रहेंगे। अन्य मुद्दे भी हैं जैसे कि क्रोनी कैपिटल है, मतलब कि नहीं प्रभावित करेंगे, ध्रुवीकरण की वजह बन सकता है, जातिवाद, संप्रदाय, भ्रष्टाचार, ये सब जो है थोड़ा आपका कंट्रोल हो सकता है। एक साथ चुनाव नहीं होने से शासन व्यवस्था और नीति निर्माण प्रक्रिया में दीर्घकालीन और विवेकपूर्ण नीति निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं दिया किया जा सकता। इसके 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 बताए तत्कालीन राजनीतिक लाभों के लिए लोकसभा लुभावने वादे पर ध्यान केंद्रित करने होने लगती है। तो इसमें थोड़ा सा ये दिक्कत है। हाँ, एक साथ चुनाव करने में चुनौतियां क्या है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है एक साथ चुनाव कराने में। संचालन संबंधित चुनौतियां, मतलब इतने बड़े कार्यक्रम, इतना सब कुछ एक साथ होगा तो काफी हैवी लोड आ जाएगा, तो यह संचालन के लिए एक चुनौती है। इसके लिए अविश्वास प्रस्ताव सहित चुनाव, उपचुनाव आदि से संबंधित, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव सहित चुनाव, उपचुनाव संबंधित संविधान के कई प्रावधान जैसे 83, 85, 72, 172, 174 और 356 में संशोधन करना पड़ेगा। एक साथ चुनाव कराने के लिए लगभग दोगुनी संख्या में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट यानी कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेलर मशीन की आवश्यकता होगी। इससे लॉजिस्टिक और वेयरहाउस से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित किया जा सकता है। राष्ट्रीय मुद्दे प्रथम हो जाते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे आपस में दब जाते हैं, तो जो जो राष्ट्रहित की पार्टी होगी वह इसको प्रभावित कर सकती है। आम जन के इस विचार से परिचित ना होना कि जो भारत के कुछ ही, मतलब भारत में लिटरेसी रेट कम होने की वजह से जो लोगों को नहीं पता रहेगा तो वो एक पार्टी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ चुनौतियां ये ध्यान रखा जा सकता है। एक साथ चुनाव के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख सिफारिश कौन थी? एक था विधि आयोग ने जो 1900 जो 170वीं रिपोर्ट निकाली थी 1999 में, इसने सिफारिश की गई थी। हाँ, कार्मिक लोक शिकायत और कानून एवं न्याय संबंधित संसदीय समिति की 79 रिपोर्ट थी। नीति आयोग ने भी 2017 में इसके बारे में कहा था। विधि आयोग का मसौदा जो आया था 2018 में, उसने भी इस बारे में बोला था। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि एक साथ चुनाव से तात्पर्य क्या है। एक साथ चुनाव से तात्पर्य यह है कि हम राज्यसभा, लोकसभा, पंचायत, नगर पालिका, इन सभी का चुनाव एक साथ करा सकें। इसके कराने में तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क क्या दिया जा रहा है कि चुनाव आयोग का जो बर्डन होता है हर साल चुनाव का वो कम हो जाएगा, जो खर्चे होते हैं चुनाव कराने में सरकारी खर्च वो कम हो जाएंगे। पार्टियां जो रहती हैं साल भर अगर चुनाव के मूड में ही रहती हैं तो प्रगतिशील कार्य कैसे होगा? अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो ये सभी जो समस्याएं हुआ खत्म हो जाएंगी। और इसके विपक्ष में तर्क क्या दिया जा रहा है? विपक्ष में तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे क्या होता है कि जो मतदाता रहेगा वह प्रभावित होगा, जो राष्ट्रीय पार्टी होगी वो जो राज्य स्तरीय जो चुनाव होंगे उनको प्रभावित कर सकती है, उस वहां अपनी पार्टी बना सकती है। क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो दबने की संभावना ज्यादा दिखती है। इस प्रकार से हमारा दूसरा लेसन समाप्त हुआ। तीसरा जो हमारा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चुनाव। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये आपको ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड के 5 राजनीतिक दलों ने इसके संघीय चुनाव के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज को लेकर बोला है आधार, और इसके लिए एक आचार संहिता पर उन्होंने
पार्टियों ने हस्ताक्षर किया है और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। भूमिका क्या रहेगी, भविष्यवाणी करने का मॉडल बनेगा, मतलब कि अगर मतदाता के व्यवहार को देख कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के द्वारा इसमें मतदाता कैसा व्यवहार क्या चाह रहा है उसको लेकर एक भविष्यवाणी की जा सकती है। सोशल मीडिया का विश्लेषण किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम देखते हैं, हम किसी भी पार्टी का ज्यादा कोई कांग्रेस कोई बीजेपी या अन्य पार्टियों का ज्यादा कतल पोस्ट लाइक कर रहा है तो उससे पता चलेगा इस क्षेत्र में जो कैसे सुधार किया जाए, इस क्षेत्र में कौन सी राजनीतिक पार्टियां जीत सकती हैं, या लोगों का जो वर्तमान सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि बेरोजगारी या किसी भी क्षेत्र को लेकर कैसा विचार है उसके लिए एक एआई के माध्यम से एक तक की एक भविष्यवाणी की जाती है। यही सब बात है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में आर्टिफिशियल। बस आपको ये ध्यान रखना कि स्विट्जरलैंड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से चुनाव के लिए बात कही गई है। व्यक्तिगत अधिकार, जो पर्सनल अपना राइट होते हैं उसके बारे में इस चौथे चैप्टर में बताया गया है, जिसमें बोला गया है हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता के व्यक्तिगत अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष द्वारा दुरुपयोग किए जाने से संरक्षण प्रदान किया है। व्यक्तिगत अधिकार के बारे में देख लेते हैं। व्यक्तिगत अधिकार से तात्पर्य किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के अधिकार से है। मतलब कि पर्सनल अधिकार क्या है, निजता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 21। हाँ, और वही संपत्ति का अधिकार जो कि निरस्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। हाँ, वो जो आपका आर्टिकल 31 था उस संपत्ति के अधिकार को उसको हटाया गया, और जो आर्टिकल 19 में भी था उसमें भी थोड़ा रिमूव किया गया था। तो ये सब व्यक्तिगत अधिकार थे जो आपके इसके इसके बारे में हाई कोर्ट ने बोला है। व्यक्तिगत अधिकार नाम आवाज हस्ताक्षर छवि या जनता द्वारा आसानी से पहचाने जाने वाली किसी अन्य विशेषताओं को व्यक्त करता है जो किसी सेलिब्रिटी आदि के लिए व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। जैसे कोई AR रहमान को लोग आवाज के लिए जानते हैं, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। किसी के हस्ताक्षर, किसी की छवि, अमिताभ बच्चन की छवि अच्छी है या धोनी की क्रिकेट में छवि अच्छी है, तो उनकी एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में ये पहचाना जाता है। यह व्यक्ति की निजता के अधिकार की सुरक्षा, अपने व्यक्तित्व संबंधित गुणों से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के अधिकार और सुरक्षा, और भ्रामक विज्ञापनों से उपयोगिता को सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यानी कि निजता का जो अधिकार है वो आपका कोई गुण या कोई आप उससे आपको आर्थिक लाभ मिले, कोई आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए किसी का ऐड कर रहे हैं तो वो आपका एक व्यक्तिगत अधिकार है, क्या उसमें ऐड करें या ना करें इससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। भारत में व्यक्तिगत अधिकार, देश में व्यक्तिगत अधिकार या उसके संरक्षण का किसी भी कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। यानी कि जो व्यक्तिगत अधिकार है वह संविधान, भारत के संविधान में कहीं भी लाग मतलब उल्लेखित स्पष्ट नहीं किए गए हैं। हालांकि निजता के अधिकार और संपत्ति के अधिकार में इसके तत्व विद्यमान है। मतलब कि व्यक्तिगत अधिकार है वह कहीं संविधान या किसी भी प्रकार में लिखे नहीं गए हैं, लेकिन जो इनकी झलक दिखती है, जो झलक दिखती है वह दिखती है आपका निजता का अधिकार जो आर्टिकल 21 है, और आपके संपत्ति के अधिकार में देखा जा सकता है, इसकी झलक देखी जा सकती है। भारत में व्यक्तिगत अधिकार के निम्नलिखित दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं। भारत में किस प्रकार के जो अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया दो प्रकार के अधिकार शामिल किए जाते हैं। पब्लिसिटी का अधिकार, पहला है पब्लिसिटी का अधिकार, या किसी व्यक्ति की छवि आदि को बिना उसकी अनुमति या संविदात्मक मुआवजे के व्यावसायिक रूप से दुरुपयोग होने से बचाने के अधिकार संबंधित है। यह ट्रेडमार्क अधिकार 1999 और कॉपीराइट अधिनियम 1957 जैसे कानून द्वारा शामिल होता है। दूसरा है निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, जो कि 2017 में पुट्टास्वामी केस जो आया था उसके तहत निजता का अधिकार दिया गया था। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना बिना किसी अनुमति बिना किसी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित ना करने का अधिकार शामिल है। निजता का अधिकार आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त मामले 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में शामिल किया गया था। जो मरने के उपरांत जो होता है व्यक्तिगत अधिकार क्या होता है ये देखते हैं। प्रतीक और नाम, अनुसूचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950। यह कानून इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध
कुछ गुणमान्य व्यक्तियों के नामों और प्रतीकों के अनाधिकृत उपयोग पर रोक लगाता है। भारतीय दंड संहिता IPC, यह कोई व्यक्ति किसी मृतक या उसके परिवारों की प्रतिष्ठा के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करता है या अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करता है तो भारतीय दंड संहिता के तहत मानहानि का मुकदमा तय किया। मानहानि का मुकदमा 499 धारा 499 और 500 के तहत किया जाता है। ट्रेडमार्क कानून, इसके तहत कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय के नाम या व्यापार चिन्ह ट्रेडमार्क का उपयोग या बिना किसी अनुमति के उपयोग नहीं कर सकता है। यदि कोई ऐसा करता है तो पीड़िता उसके ट्रेडमार्क का दुरुपयोग हुआ है उस व्यक्ति पर के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति किसी का ट्रेडमार्क, किसी कोचिंग का या तो किसी बड़े ग्रुप का जो इंडस्ट्रियल एरिया उसका ट्रेडमार्क यूज करती है, नाइकी का लोगो का यूज करती है, तो अगर तो चाहे तो उसके खिलाफ जो ट्रेडमार्क मतलब जो कंपनी है किसी जो उनकी नकल कर रहा है उनके ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है। न्यायिक व्याख्या क्या है? टाइटियन इंडस्ट्री बनाम राजकुमार ज्वेलर्स मामला 2012। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि व्यक्तिगत अधिकार में व्यक्ति की निजता या एकाकीपन में हस्ताक्षर नहीं करेंगे, संवेदनशील तथ्यों को सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं करेंगे, व्यक्तियों की छवि को सार्वजनिक रूप से गलत तरीके से पेश नहीं करते या उनके नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करने के अधिकार शामिल हैं। दीपा जय कुमार बनाम AL विजय माल्या 2019। मद्रास हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ ही वो व्यक्तिगत अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा ये अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार उसके कानूनी अपराध उत्तराधिकारियों को विरासत में नहीं मिल सकते हैं। साक्षी मलिक बनाम वेंकट क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2021। बम्बई हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी अन्य व्यक्ति की छवि और विशेष रूप से उसकी निजी छवि का उसकी सहमति के बिना उपयोग करना गैर कानूनी है। अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला 2011 जो था। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या प्रसिद्धि उसकी वास्तविक लोकप्रियता या प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। और अंतर्राष्ट्रीय देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के तहत व्यक्तिगत अधिकार क्या है। वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकार के संरक्षण से संबंधित कोई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय अभिसमय संधि या नहीं है। हालांकि पब्लिसिटी संबंधित कुछ अधिकार निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों से प्राप्त की जा सकती है, जैसे रोमन अधिनियम 1961 या कलाकारों के अधिकार, फोनोग्राफी प्रोड्यूशन के अधिकार का प्रसार अधिकारों की रक्षा करता है, बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधित पहलू जो है आपका ट्रिप्स समझौता 1994 देख सकते हैं, विपो प्रदर्शन और फोनोग्राफी संधि जो थी आपकी या जो थी यह संधि विशेष रूप से डिजिटल परिवेशों में कलाकारों और फोनोग्राफी डायरेक्टर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। भारत में व्यक्तिगत अधिकारों को लागू करने वाली चुनौती क्या है? पहली चुनौती यह है संविधान के साथ टकराव की स्थिति, क्योंकि इसमें संविधान में कहीं उल्लेख है नहीं तो यह एक चुनौती देखी जा सकती है। पब्लिसिटी के अधिकार तथा लोक हितों के मामलों को प्रकाशित करने एवं जनता को सूचित करने के मीडिया के अधिकार और अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को जानने के अधिकार के मध्य टकराव की स्थिति पैदा होगी। कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव, व्यक्तिगत अधिकार कानूनी फ्रेमवर्क का पर प्रभाव, व्यक्तिगत अधिकार के अलग अलग पहलू जैसे पब्लिसिटी के अधिकार का हस्तांतरण को शामिल करने के लिए कोई व्यापक कानून फ्रेमवर्क नहीं है। डार्क पैटर्न, भ्रम पैदा करने वाली इंटरनेट टेक्निक के जरिए AI जनरेटेड AI को विनियमित करना मुश्किल है। ये व्यक्ति की निजता और पब्लिसिटी संबंधित अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी कि AI के माध्यम से कोई वीडियो बनाया गया, कोई फोटो बनाया गया या किसी का हस्ताक्षर किया गया, ये भी एक कहते हैं चुनौती है जो अभी तक किसी भी कानून में इसके बारे में उल्लेख नहीं है। तो इसके निष्कर्ष देख सकते हैं क्या होगा। व्यक्तिगत अधिकार के कई पहलुओं को शामिल किया जाता है जिसमें निजता के अधिकार और पब्लिसिटी
के अधिकार से लेकर मान हानि व उत्पीड़न के मुकदमे होने के अधिकार भी शामिल हैं। केवल कानूनी मामला ही नहीं बल्कि मानव गरिमा और व्यक्तिगत स्वाधीनता के मौलिक अधिकार के पूर्व मूर्त रूप से भी प्रभावित है। और है संसद, इस तरह का हमारा रेगुलेशन समाप्त हुआ जो व्यक्तिगत अधिकार से संबंधित है। हाँ, अब हम लोग देखेंगे संसद का सचिवालय, लेकिन इसमें एक वीडियो लगभग पूरा हो गया, तो इसमें हम देखे थे, ये किए थे कि हम कहाँ तक देखेंगे। तो संसद का सचिवालय लास्ट वीडियो हमारा जो बचा हुआ है वो देखेंगे। तो संसद का सचिवालय, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, हाँ, भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूर्व हो चुके हैं। इस दौरान संसदीय सचिवालय दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की प्रक्रिया, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। संवैधानिक प्रावधान, अनुच्छेद 98, संसद के प्रत्येक सदन का अलग सचिवालय स्टाफ होगा। तब सभी मतलब प्रत्येक सदन का एक अलग स्टाफ होगा। संसद कानून द्वारा संसद के प्रत्येक सदन की सचिवालय कर्मचारियों की भर्ती और नियुक्ति और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित कर सकती है। यह अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन भी की अनुमति दे सकती है। अनुच्छेद 187 क्या कहता है? इस अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानमंडल के सचिवालय के लिए अनुच्छेद 98 के समान ही प्रावधान किए गए हैं। मतलब कि आप देखेंगे कि 98 में तो तक संसद की बात की गई है, तो वहीं 187 में आपके राज्य राज्य विधानमंडल की बात की गई है। सचिवालय के आइए कार्य देख लेते, क्या क्या होते हैं सचिवालय के कार्य। पहला होता है सदनों के प्रतिदिन की कार्यवाही का रिकॉर्ड तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना, जो कि आपका प्रकाशन मंत्रालय द्वारा होता है। ये मतलब कि जो कार्यवाही उसको प्रकाशन करना, उसका दस्तावेजीकरण करना। संसद के सदनों के प्रभावी कामकाज के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है। मतलब कि संसद में जो कार्य हो रहा है, कौन सी फाइल बन रही है, कौन सा विधेयक बन रहा है, कैसे हो रहा है, कैसा कार्य हो रहा है, उसके लिए जो सचिवालय सहायता प्रदान करता है। वेतन एवं अन्य भत्तों का भुगतान करता है। हाँ, विभिन्न संसदीय समितियों को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। जो विभिन्न समिति बनती है किसी चीज के लिए, सचिवालय उनको अन्य सेवाएं जैसे प्रदान करने का तात्पर्य, उनको किसी प्रकार का रिकॉर्ड देना, किस बहस होती, इससे लेकर उनको ये संसदीय समितियों को सहायता प्रदान करता है। महासचिव एवं पीठासीन अधिकारियों को सहायता और सलाह देना, मतलब कि जो पीठासीन अधिकारी होती है वह सचिवालय के अधिकारियों से सलाह प्राप्त करते हैं, कैसे कार्य, मतलब कौन से नियम क्या हैं, उसके लिए सहायता प्रदान करता है। अनुसंधान और संदर्भ सामग्री तैयार करना और अलग अलग डॉक्यूमेंट्री प्रकाशित करना, जो कि इसका मेन काम होता है। राज्यसभा और लोकसभा 1952 में अस्तित्व में आई थी। हाँ, हालांकि लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय ही कहा जाता रहा है। इसके विपरीत राज्यसभा के लिए राज्य परिषदीय सचिवालय नामक एक नए सचिवालय का निर्माण किया गया था। वर्ष 1994 में दोनों सचिवालयों के नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। यह थोड़ा इसका इतिहास है। सचिवालय की संरचना, लोकसभा सचिवालय में क्या होता है? लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करती है। प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव। भर्ती और सेवा शर्त, ये लोकसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्तों के नियम 1955 द्वारा शामिल होती है। इन नियमों को राष्ट्रपति ने लोकसभा के अध्यक्ष के परामर्श से प्रकाशित किया था। ये नियम सचिवालय के स्टाफ और संरचना का प्रावधान करते हैं। सचिवालय में भर्ती पर लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। हाँ, लोकसभा अध्यक्ष सचिवालय की नियुक्ति करने संबंधित अपने अधिकारों को महासचिव और सचिवालय के किसी अन्य अधिकारियों को सौंप सकता है। राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभा सभापति
राज्यसभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य करता है, और प्रशासनिक प्रमुख जो होता है वह महासचिव होता है। भर्ती और सेवा शर्त या राज्यसभा सचिवालय भर्ती और सेवा शर्त नियम 1997-57 द्वारा प्रकाशित होते हैं। इसके नियमों को राष्ट्रपति राष्ट्रपति ने राज्य के सभापतियों को परामर्श और प्रख्यात किया। अन्य संबंधित जानकारी जो आपका वो है, अन्य संबंधित जानकारी दोनों सदनों के सचिवालयों के कार्यात्मक आधार पर 10 सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। 10 सेवाओं में विधायकी कार्यवाही और प्रशासनिक सेवाएं, शब्दता रिपोर्टिंग सेवाएं आदि शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा विधानसभा अपने अपने सचिवालय में नए पद सृजित कर सकती है। श्रेणी एक और श्रेणी दो के पदों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के साथ पूर्व सहमति करना अनिवार्य है। यानी कि जो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लिए जो पद सृजित किए जाएंगे उसके लिए वित्त मंत्रालय के साथ, केंद्रीय जो वित्त मंत्रालय होगा उसके साथ बातचीत करना अनिवार्य है। दोनों सदनों में महासचिव का पद भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समकक्ष होगा। तब जो भारत सरकार का कैबिनेट सचिव होगा वह दोनों सदनों के महासचिव जो होंगे उनके बराबर का पद माना जाएगा। हालांकि वरीयता सूची में कैबिनेट सचिव को 11वें स्थान पर रखा गया, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव को 23वें स्थान पर रखा गया। यह थोड़ा ध्यान रखने की बात है, कैबिनेट सचिव का जो स्थान रखा गया वरीयता क्रम में से राष्ट्रपति स्तर का वरीयता कम बनता है उसमें वह 11वें नंबर पे है कैबिनेट सचिव जो होगा, लेकिन वही महासचिव जो लोकसभा और राज्यसभा का उसका 23वें स्थान पर है। केंद्रीय सचिवालय से संबंधित कमियां क्या है? कानूनी फ्रेमवर्क की अनुपस्थिति है, इसमें कोई कानूनी फ्रेमवर्क नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 98(2) के तहत अभी तक कोई भी ऐसा कानून पारित नहीं किया गया है जो संसद की किसी भी सदन के सचिवालय कर्मियों की भर्ती और सेवाओं शर्तों को विनियमित करता हो। स्वायत्तता की कमी है, कोई भी अपने मन से कार्य करने के लिए नहीं है। हाँ, संसदीय सचिवालय में अक्सर कार्यपालिका के पक्ष में पक्षपात का आरोप लगता जा रहा है, जो संसदीय प्रश्नों की अनुमति ना दे संसदीय प्रश्नों की अनुमति ना देना, संशोधन और प्रस्ताव को गौण मुद्दे पर खारिज कर देना, इस तरह का हो कमियां, और स्वतंत्र कैलेंडर की अनुपस्थिति होती है। इसमें अधिकांश वरिष्ठ पदों पर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। यह विधायिका की स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके लिए निष्कर्ष क्या हो सकता है? निष्कर्ष ये हो सकता है, संसदीय सचिवालय अपने समर्पित प्रयासों से यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कामकाज सुचारू रूप से चल सके। साथ ही यह भी निश्चित करता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया में सुविधाजनक बनाया जाए तथा जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बहाल रखा जाए। इस प्रकार से जो हमारा यह पहला टॉपिक था जिसमें हमने बात की थी, पहले टॉपिक में हम क्या क्या आज पढ़ेंगे उसमें जो हमारा हमने 5 सब टॉपिक में बांटा हुआ था पॉलिटी का, वह खत्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में इसमें जो आगे जो टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट होगा उसमें देखेंगे। तो इस तरह का हमारा जो विजन मैगजीन का सितंबर माह की मैगजीन थी उसमें पॉलिटी सेक्शन को हम 2 पार्ट में पूरा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।